सबका स्वागत है। आई होप्स कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं से हम सब ठीक हैं। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, और दिन भर क्या करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस टोस्टर मशीन को लेके जा रही हूँ दिखाने, क्या मालूम क्यों है ना इसमें ब्रेड जलने की स्मेल आ रही है। नीचे जा रही हूँ क्योंकि टोस्टर ख़राब हो गया, इसमें ब्रेड डाला तो स्मेल आ रही जलने की, तो अभी जा रही हूँ उसको लेके नीचे। कबूतर है ना, अच्छा उड़ते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कैप्चर कर लिया। आई हूँ टोस्टर की दुकान पे। तो नमाज़ अदा हो गई है, अब क्या बनाना है आप तैयारी के लिए और क्या रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, देखते हैं। अभी चलो चलते हैं किचन में। तो मैं किचन में आ गई हूँ, सब सामान अभी निकाला है काटने के लिए, थोड़े काट लिए हैं, थोड़ा काटना बाकी, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मैं क्या क्या बनाऊँगी। पास्ते के लिए कटिंग कर रही हूँ मैं, और ये प्याज की वजह बनेगी, इसके मैं दम आलू बनाऊँगी और जो इमली भिगा के रखी दम आलू में डालने के लिए, और ये मटर है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो मटर का कुछ बनाएंगे, तो कल रेसिपी स्वीट बनाऊँगी। मिर्ची धनिया ये सब काट लूँ फटाफट। बस मेरे दम आलू रेडी हैं और ये मेरा पास्ता मसाला भी रेडी है। असर की नमाज का वक्त हो गया, पहले नमाज अदा कर लो असर की, फिर बताती हूँ कि क्या रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। नमाज अदा हो गई मेरी, अब मैं आप लोगों के साथ में जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है आलू के लच्छे पकौड़े। तो मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। दो आलू को मैंने अच्छे से छील के पानी में डाल दिया है, मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, दो टेबल स्पून हरी धनिया है, दो हरी मिर्ची है, हाफ़ टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून अक्खा ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून खटाई है, हाफ़ टेबल स्पून वाइट नमक है, वन टेबल स्पून बेसन है, हाफ़ टेबल स्पून चावल का आटा है। तो हम आलू को इससे ऐसे इसके लच्छे बना के निकाल लेंगे। देखिए ये ऐसे मैं ऐसे कर लूँ, पूरे ऐसे लच्छे बना के पूरे निकालती जाऊंगी, ये इस तरीके से लच्छे निकलेंगे। देख सकते हैं कि मैंने सारे लच्छे बना दिए हैं, इसमें इतने सारे स्टार्स हैं। अब मेरे को इसको चार पांच पानी से धो के और ऐसे वाइट पानी में ऐसे डाल के इसको साफ़ करना है। मैं इसको अच्छे से धो लूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देख सकते हैं कि मैंने सारा स्टार निकाल लिया पानी में से, इसको निकाल के ना आलू को अच्छे से ऐसे करके दूसरे बाउल में डालेंगे। इसको अच्छे से निकाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने लिया और इसको अच्छी तरीके से ऐसे पूरा पानी निकाल दिया इसका, कि आलू में से पानी बिल्कुल ना हो, फिर ऐसे इसको इसमें डाल दूँगी। मेरे निक हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सब चिल्ली फ्लेक्स, ज़ीरा, आमचूर पाउडर इसमें चिपक गया था, चाट मसाला, हरी मिर्ची, हरी धनिया, चावल का आटा, बेसन, नमक, और ये वन वन टेबल स्पून डालूँगी। अभी फ़िलहाल वन वन डालूँगी, लगेगा तो फिर डालूँगी। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ बिना पानी डाले, ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे। अभी इसमें अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो रही, तो मैं वन वन टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, वन टेबल स्पून मैदा और ली हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मैंने टू टू टेबल स्पून डाले हैं, ये बच गए हमारे, अब इसको मैं सिर्फ दो मिनट के लिए रेस्ट करने दूँगी। 5 मिनट हो गए हैं और तेल हमने गर्म करने रख दिया था, तेल भी बहुत गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है। अब हम इसको ऐसे ही डाल देंगे, कोई शेप नहीं देंगे, एक ऐसे भी डाल देंगे क्योंकि ये लच्छे वाले हैं। ये अब हम पलटेंगे, आराम से पलटिएगा कि तेल ना आए ऊपर। अरे भजिया हो गई है, अब हम इसको छन्नी की मदद से सब निकाल लेंगे और इसको टिश्यू पेपर पे डाल देंगे कि सारा तेल इसमें से निकल जाए। अब हम दूसरा बैच डालेंगे, मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ। सारे बना लिए, अब सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से उसको चटनी और केचप से सर्व किया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रंची बने हैं। ये देखिए इसकी आवाज़,
ये बहुत क्रंची, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा डाला है ना, तो इसके लिए बहुत क्रंची बने हैं। तो आप लोग भी बनाएंगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे। ये जो मैंने आलू के लच्छे भजिए बनाए थे ना, ये बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी आवाज़ से मैंने आप लोगों को सुना थी इसकी, तो प्लीज़ आप लोग बनाएंगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनता है। तो ये मैंने जो प्यासी भजिया है और ये मैंने आलू के लच्छे वाले बनाए हैं, और ये मैंने पास्ता बनाया है, फ्रूट्स है, और ये दामान है, और ये हमारा रोबसा है। मेरी मगरिब की नमाज़ हो गई है, और मैं ये कहूँगी कि जो मैंने आलू के लच्छेदार पकोड़े बताए थे ना, वो बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी और इतने अच्छे बने थे ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि अगर आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोग भी बोलेंगे कि मैंने आप लोग कोई ऐसी रेसिपी बताई कि जो आप लोगों ने खाए और आप लोग के दिल खुश हो गया। वो क्रंची, वो मुँह में जाके ना तब क्रंची आवाज़ आना, और वो बहुत हर चीज़ का फ्लेवर, एक एक फ्लेवर आना, तो आप लोग भी बोलेंगे मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ, और दम आलू और मैंने पास्ते की रेसिपी फिर कह रही हूँ कि इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पे दोनों भी अपलोड है। अगर आपको मेरी पास्ते की रेसिपी देखना है और दम आलू की देखना है तो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं सर्च करके। बस आज का मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सना के प्यार दोनों को सब्सक्राइब कर देना। जिससे अब तक सना के प्यार दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मेरे चैनल पे आप जो भी नए तो आप भी प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपको। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जब आप लोग बनाएंगे कि ये भजिया कैसी बनी है, और अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, मुझे दुआ में याद कीजिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूंगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।